एवरीवन, माय नेम इज लवप्रीत कौर एंड आई एम स्टूडेंट फ्रॉम एलपी यूनिवर्सिटी फ्रॉम मीडिया स्कूल। आज आपको मैं हैंडबॉल के बारे में बताऊंगी कि हैंडबॉल की ग्राउंड की मेजरमेंट और हैंडबॉल के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स बताए थे कि सूर्य नमस्कार के हमारे बॉडी पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बट आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ हैंडबॉल, हैंडबॉल की मेजरमेंट, ग्राउंड की मेजरमेंट और हैंडबॉल के कुछ रूल रेगुलेशन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैंडबॉल के ग्राउंड की मेजरमेंट क्या होती है, इसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं और मतलब टाइम ड्यूरेशन बताऊंगी और मतलब इसमें कितने प्लेयर्स खेलते हैं ये बताऊंगी और हैंडबॉल का वेट वगैरह सब कुछ बताऊंगी मेंस के लिए वुमेंस के लिए। और सबसे पहले हम हैंडबॉल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हैंडबॉल क्या क्या होता है। सबसे पहले हैंडबॉल 1940 में इन्वेंट किया गया था। इसमें 7 प्लेयर्स खेलते हैं, गोलकीपर को इन्वॉल्व करके इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं और इसमें गोलकीपर ही हैंडबॉल के नाम से ही हमको पता चलता है कि हैंडबॉल हाथ से खेलने वाली गेम है। जैसे फुटबॉल में होता है कि हमें अपने पाँव का यूज़ करना होता है, उसमें हाथ का यूज़ नहीं होता, वैसे हैंडबॉल में हमें नाम से पता लगता है कि हैंड मतलब हैंड का यूज़ करना है, फुट का नहीं यूज़ करना। अगर इसमें कोई भी फुट का यूज़ कर लेता है तो वो फाउल माना जाता है। हाँ, हैंडबॉल और फुटबॉल में एक चीज़ जो है कॉमन होती है जो गोलकीपर होता है, हैंडबॉल और फुटबॉल के गोलकीपर अपनी पूरी बॉडी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हैंडबॉल में है चाहे फुटबॉल में है। हैंडबॉल में जो गोलकीपर होता है वो फुट का यूज़ कर सकता है और जो फुटबॉल में गोलकीपर होता है वो अपने हैंड का यूज़ कर सकता है। आइए सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड की मेजरमेंट बता देती हूँ कि फिर हैंडबॉल की ग्राउंड की मेजरमेंट बता देती हूँ। ये हमारी हैंडबॉल की ग्राउंड की मेजरमेंट है, जो ये हमारी जो लेंथ होती है इसकी, ये हमारी 20 मीटर लेंथ, जो हमारी विड्थ होती है हमारी 20 मीटर होती है और जो ये हमारी ये हमारा बीच में ये सेंटर लाइन होती है ये वाली और ये हमारे गोल पोस्ट हैं। गोल पोस्ट 3 मीटर और 2 मीटर के होते हैं, इसकी लेंथ विड्थ होती है 2 और 3 मीटर। और ये जो आर्क होती है, ये गोल पोस्ट के बीच में आर्क होती है, ये गोलकीपर का एरिया होता है, ये इतनी आर्क है, ये गोलकीपर का एरिया होता है और ये हमारा होता है 9 मीटर का। और ये जो हमारी गोल पोस्ट की ये मिड से हमारी आर्क तक का जो लाइन होता है एंड होता है वो 6 मीटर का होता है और हमारे गोल पोस्ट से जो बड़ी आर्क होती है उसका वो 9 मीटर का होता है और छोटी आर्क से बड़ी आर्क का 3 मीटर होता है। और इसमें ये जो है बेंचेस फॉर सब्सटीट्यूशन के लिए इधर भी सेम है कि बेंचेस ऑफ सब्सटीट्यूशन होते हैं, ये सब्सटीट्यूशन एरिया होता है, मतलब जो हमारे प्लेयर 7 प्लेयर्स होते हैं टोटल, इसमें जो 7 प्लेयर्स होते हैं वो तो प्लेइंग में होते हैं और जो बाकी प्लेयर होते हैं वो सब्सटीट्यूशन होते हैं, जो ये बाहर ग्राउंड के बाहर बैठते हैं। और जो ये ग्राउंड बॉल के ये हमारा पेनल्टी मार्क है, जब कोई प्लेयर डी में फाउल मारता है तो पेनल्टी मिलती है। फुटबॉल और हैंडबॉल में एक चीज़ कॉमन है कि मतलब जब भी कोई प्लेयर डी में फाउल मारता है तो हैंडबॉल या फुटबॉल में उसे पेनल्टी मिलती है, मतलब डी में फाउल होता है तो पेनल्टी मिलती है। और ये तो हमारी थी ग्राउंड की मेजरमेंट। और ये जो हमारी होती है, ये हमारी जो होती है ये बेस लाइन होती है और ये गोल लाइन होती है, फुटबॉल में भी गोल लाइन होती है और ये गोल पोस्ट होता है और ये हमारा जो होता है गोल एरिया और जोन लेयर वाला होता है। और ये तो थी हमारे ग्राउंड की मेजरमेंट। अब मैं आपको थोड़ा बहुत हैंडबॉल के बारे में बता देती हूँ। जो ओल्डर नेम ऑफ हैंडबॉल वॉज, जो हमारे हैंडबॉल का पुराना नेम था वो था ओलंपिक कोडेन ऑफ यूरोपियन, मतलब ओल्डर नेम ऑफ हैंडबॉल वॉज ओलंपिक कोडेन यूरोपियन। और जो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 7 होते हैं, 7 सब्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे, 7 प्लेयर एंड 7 सब्स्टिट्यूशन। हैंडबॉल प्लेयर्स पोजीशन कंसिस्ट ऑफ क्या होती है, हैंडबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं एक गोलकीपर होता है, 2 विंगर्स होते हैं, 2 बैक्स होते हैं और एक सेंटर बैक, एक सर्कल रनर, मतलब जो हमारा गोलकीपर होता है हमारा वो इस डी के अंदर ही रहता है, हमारा गोलकीपर जो होता है वो इस डी के अंदर ही रहता है। और जो 2 विंगर होते हैं इसकी पोजीशन होती है यहाँ पे गोलकीपर होता है, ये हमारी होती है पोजीशन, ये हैंडबॉल की पोजीशन होती है, ये गोलकीपर, ये विंगर्स और ये हमारे सेंटर एंड सर्कल रनर होता है। ये इधर भी सेम पोजीशन होती है, ये इधर हमारा गोलकीपर आ जाता है, तो ये हमारी पोजीशन होती है हैंडबॉल के मैचेस की। और फिर अब जो हमारे होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब फुटबॉल में ऑफिशियल्स रेफरी होते हैं, इसमें भी रेफरी होती है, 2 रेफरी होते हैं, एक टाइमर कीपर होता है और एक स्कोरर होता है, मतलब इसमें 2 रेफरी होते हैं ठीक है और एक टाइम कीपर होता है जो टाइम ड्यूरेशन नोट करता है, मतलब मैच की टाइमिंग कब स्टार्ट हुई कब एंड करना है वो हमारा सारा टाइम कीपर देखता है। और इसमें एक स्कोरर होता है, जब हम स्कोर बोर्ड में स्कोर चेंज हो जाते हैं ना, मतलब गोल हो जाता है तो स्कोर चेंज हो जाते हैं
तो वो हमारा जो होता है स्कोरर होता है, इसमें इसके लिए इसके ऑफिशियल होते हैं, चार होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन ऑफ मैचेस, टाइम ड्यूरेशन हमारी 30x30 होती है और इसमें 10 मिनट्स की ब्रेक होती है। और वेट ऑफ बॉल फॉर मैन, मैन का जो वेट होता है हमारे इंडिया में आजकल मतलब वुमेन्स और मैंस सबके लिए मतलब गेम्स होते हैं, मतलब ऐसे कोई भी गेम्स नहीं है जो वुमेन नहीं खेल सकती, या ऐसी कोई भी गेम नहीं है जो मैन नहीं खेल सकते। हर फील्ड में हम देख रहे हैं आजकल मतलब सभी में कॉमन है, मतलब सभी फील्ड्स में हम देख सकते हैं मैन और वुमेन सब एक बराबर ही है, कोई भी एक दूसरे के पीछे नहीं है। तो हर गेम में मतलब मैन और वुमेन को देखते हुए हर गेम के अकॉर्डिंग उसका वेट, मतलब हैंडबॉल में बॉल के अकॉर्डिंग मैन के अकॉर्डिंग उसका वेट रखा गया है और वुमेन के अकॉर्डिंग, ऐसे ही फुटबॉल में भी होता है। तो उसके जब हम एथलेटिक्स में देख लेते हैं उसके लिए मतलब टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है वुमेन्स के लिए, मैंस के लिए थोड़ी कम होती है क्योंकि मैंस की इम्यूनिटी पावर थोड़ी स्ट्रांग होती है इसलिए। तो अभी जो है ये वेट ऑफ बॉल फॉर मैन, जो मैन के लिए वेट होता है बॉल का वो होता है 425 to 475 ग्राम, और जो वुमेन के लिए होता है वो 335 to 375 ग्राम, मतलब वुमेन्स के लिए 100 ग्राम थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वुमेन्स थोड़ा मतलब हर फील्ड में होता है ना वुमेन्स के लिए, तो मतलब अलग अलग अपना अपना होता है। और इसमें जो हमारा गोलकीपर होता है हैंडबॉल में, हमारा गोलकीपर होता है वो सिर्फ हैंडबॉल वाला गोलकीपर ही सिर्फ हमारा जो है हैंड फुट मतलब हैंडबॉल का गोलकीपर या फुटबॉल का गोलकीपर, ये दोनों एक है कि ये अपनी पूरी बॉडी का यूज़ कर सकते हैं और कोई भी प्लेयर हमारे पूरी बॉडी का यूज नहीं कर सकता। और इसमें अगर हम फाउल्स की बात करें तो एक फाउल तो वही होता है कि अगर गोलकीपर ये हमारी डी होती है ना, अगर गोलकीपर इससे बाहर आकर मतलब इतना भी बाहर आ जाता है ना गोलकीपर इससे बाहर आकर मतलब हाँ बॉल को पाँव के साथ यूज़ करें, मतलब पाँव यूज़ करें डी के बाहर आकर, तो वो फाउल होता है। मतलब डी के अंदर अंदर गोलकीपर कोई भी अपना पार्ट यूज़ कर सकता है। वैसे ही अगर हमारे कोई भी प्लेयर ड्रिबल करते हैं तो वो अगर उनके पास उनके हाथ में बॉल है तो वो 3 मिनट से ज़्यादा ड्रिबल नहीं कर सकते बॉल, मतलब अगर उनके हाथ में बॉल है तो वो 3 स्टेप से ज़्यादा बॉल यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हमारा फाउल हो जाता है। अगर बॉल आउट होती है तो मतलब लाइन आउट हो जाती है, मतलब बॉल लाइन से आउट होगी तो हमें भी उस कट लाइन को कट करके जो होता है बॉल को इन करना होता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो भी फाउल माना जाता है। और ये तो थे हमारे कुछ बेसिक्स मतलब बेसिक रूल्स थे फाउल से, और ये ग्राउंड के मेजरमेंट थी। और इसके बाद हमारा जो फुटबॉल या हो या हैंडबॉल हो गोलकीपर कोई भी पार्ट यूज़ कर सकता है। अगर हम इसमें तो अगर ये तो हमारे नाम से क्लियर है हैंडबॉल, इसमें पाँव यूज़ नहीं कर सकते। हैंडबॉल के मतलब अगर हमारा कोई प्लेयर मतलब हमारा जो गोलकीपर होता है ना वो डी के अंदर फाउल मारते तो उसको पेनल्टी मिल जाती है। तो ये तो थे हमारे बेसिक रूल्स मतलब रूल्स रेगुलेशन और ग्राउंड के मेजरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।